जय हिंद, मैं हूं नवेद खान। आप देख रहे हैं मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेरठ, शिवसेना कार्यालय पर हुई जिला प्रमुखों की बैठक। आगामी विधानसभा को लेकर शिवसेना जिला प्रमुख की बैठक छिपी टैंक स्थित शिवसेना कार्यालय पर हुई। बैठक की अध्यक्षता गाजियाबाद से शिवसेना उप प्रमुख अनुशासन समिति के प्रदेश प्रभारी महेश कुमार आहूजा द्वारा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बैठक उप प्रमुख महेश आहूजा ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए शिवसेना प्रमुख अनिल सिंह जी द्वारा पूरे प्रदेश में 4 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। दरअसल शिवसेना कार्यालय पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला प्रमुखों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और प्रभारी भी नियुक्त किए गए। बैठक में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किया। वहीं एक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दिए। कार्यकर्ता का कहना था कि जब भी कोई घटना घटती है तो कोई भी शिवसेना प्रमुख कार्यकर्ता के साथ खड़ा दिखाई नहीं देता। ऐसे में कैसे हम शिवसेना को मजबूत संगठन बना पाएंगे, जबकि बाबा साहब ठाकरे हमेशा संगठन को मजबूती की बात कहते थे। वहीं बैठक में आए महेश आहूजा ने देश में आर्थिक मंदी को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि केंद्र सरकार को 2 बच्चों का कानून जरूर बनाना चाहिए और जल्दी मंदी से निपटने का कोई ना कोई प्लान तैयार करना चाहिए। बैठक में मेरठ के जिला प्रमुख धर्मेंद्र तोमर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए सभी पद अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। का जो उद्देश्य है कि हमारे 27 जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं और लगभग 25 जिले आए हैं ना, 25 जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश के यहाँ पर आए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि दिनों में जो चुनाव नगर पालिका के नगर निगम के हमारे सिर पर हैं, इसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं और जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, उन चुनाव में शिवसेना की क्या भूमिका हो, इस विचार को लेकर आज बहुत से जिला प्रमुख अच्छे अच्छे विचार दिए हैं। जो जो विचार आएंगे उस विचार को आगे लेकर हम अपने प्रदेश प्रमुख माननीय अनिल ठाकुर जी के पास भेजेंगे और वहाँ से हमारे राष्ट्रीय जो हमारी कार्यकारिणी है, राष्ट्र नेतृत्व है, वो हमें